सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए, आज हम स्ट्रेटजी पे डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी हो ताकि हम एग्ज़ाम को क्रेक कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या होती है एसएससी सीजीएल की, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स होती है, कौन कौन से इसके अंदर पोस्टेस होती हैं। देखिए, एसएससी सीजीएल के अंदर 50+ पोस्टें होती हैं, उनमें कुछ पोस्ट के नाम यहाँ पर मैंने आपको दिए हुए हैं, देखिए। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, ये सीएसएस में होता है, एमई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में होगा, रेलवेज के अंदर होता है। दूसरी पोस्ट होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अगली है एक्साइज या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनेशन या प्रिवेंशन ऑफिसर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, डिविजनल अकाउंटेंट, ऑडिटर एंड टैक्स असिस्टेंट। इसके अलावा और भी काफ़ी 15+ पोस्टें होती हैं इसके अंदर, एसएससी सीजीएल के अंदर ये कुछ प्रोमिनेंट पोस्ट होती हैं। तो देखिए, सवाल ये उठता है कि कैसे हम इनकी तैयारी करें, कैसे हम डिसाइड करें कि हम कौन सी जॉब चूज़ करें, क्या हमारी जॉब सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए कि हम सिलेक्शन के बाद ये पोस्ट चूज़ करें। तो चलिए, उसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कंफ्यूज होते हैं और हाई रैंक लेने के बाद भी वो क्या करते हैं कि ऐसी पोस्ट ले लेते हैं जो उनको बाद में जाके पछतावा होता है, और बाद में वो चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो वापस से एग्ज़ाम देते हैं। तो आपको ऐसी सिचुएशन ना फेस करना पड़े, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, हम बेस्ट जॉब को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन सी बेस्ट जॉब होगी, क्या डेफिनेशन होगी उसकी, क्या क्राइटेरिया होगी। देखिए, बेस्ट जॉब के लिए मैंने कुछ चार चीज़ें बताई हैं यहाँ पर। सैलरी और पर्क्स देखते हैं हम, दूसरा पावर या फिर सोशल रिस्पेक्ट देखते हैं कि पावर कितनी मिलती है उस हमारे पास, सोशल रिस्पेक्ट हमें कितनी मिलती है। दूसरी लोकेशन देखते हैं कि हमारे घर से कितनी दूर है, कितनी पास है। तीसरा हम जॉब प्रोफाइल देखते हैं कि जॉब कैसी जॉब है, ये डेस्क वर्क है या फील्ड वर्क है, ठीक है। तो सैलरी और पैक्स तो लगभग सब में समाप्त हो, सब में समान ही होता है, सब सारी पोस्टों में समान ग्रेड ही होता है लगभग, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पावर और सोशल रिस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ, देखिए पावर होती है लेकिन सबको जो गवर्नमेंट होती है उनकी गाइडलाइन के अंदर ही काम करना होता है, जो लॉ होते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है उसी के अंदर काम करना होता है, ठीक है। तो बात मेनली हम बेस्ट जॉब को मेनली डिसाइड करते हैं फ्रॉम लोकेशन और जॉब प्रोफाइल से। तो देखिए, लोकेशन पे हम, मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे अगर होम के करीब है, घर के पास में है, या बढ़िया सिटी के अंदर मिल रहा है जहाँ पर हम बढ़िया हमें एचआरए मिले, तो हम वहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं। अब बात आता है सबसे इम्पोर्टेंट है जॉब प्रोफाइल की। तो देखिए, जॉब प्रोफाइल के अंदर हम क्या देखते हैं, तो चलिए उसको डिटेल से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि सिलेक्शन के बाद एक पोस्ट ले लेते हैं, उसके बाद वो जाकर सोचते हैं, जब उन ज्वाइन कर लेते हैं 1-2 ईयर्स के बाद, वो सोचते हैं कि यार मैंने तो गलत ये जॉब सेलेक्ट कर ली, मुझे तो ये सूट नहीं हो रही थी, मुझे तो दूसरी जॉब लेनी चाहिए थी। क्योंकि उस वक्त हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सी हमें जॉब चाहिए, डेस्क जॉब चाहिए या फील्ड जॉब चाहिए। तो देखिए, जॉब प्रोफाइल के अंदर मेनली हम दो चीज़ देखते हैं, डेस्क जॉब या फील्ड जॉब। देखिए, डेस्क जॉब के अंदर क्या होता है, आपको बैठ कर एक कुर्सी टेबल बैठ कर फाइल पे काम करना होता है, हम सारे दिन मतलब आपके पास फाइल होती है उसी के ऊपर आपको काम करना होता है। तो डेस्क जॉब कौन कौन सी होती है, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होगी, सीएसएस में होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में होगी, रेलवे के अंदर होगी, डिविजनल अकाउंटेंट की होगी, ऑडिटर होगी, टीए की होगी, ठीक है। क्या होती है, डेस्क जॉब होती है, यानी आपको फाइल के ऊपर काम करना होता है, आपको फील्ड में नहीं जाना होता है, फील्ड का काम नहीं करना होता है। आप सुबह से शाम 5-5 बजे से लेकर 7 बजे तक काम करते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं, ठीक है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फील्ड जॉब पसंद होती है, जिनको डेस्क जॉब पसंद नहीं होती है, जहाँ बैठना पसंद नहीं होता है उनको। देखिए, फील्ड जॉब में कौन कौन सी जॉब हो सकती है, देखिए जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की हो गई, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर की हो गई, असिस्टेंट सेक्शन इंस्पेक्टर इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में हो गई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हो गई, सीबीएन में हो गई, ठीक है, एग्जामिनर की हो गई। एग्जामिनर मतलब देखिए, जैसे हमारे देश के अंदर सामान आता है या फिर एक्सपोर्ट होता है या इम्पोर्ट होता है, तो उसका हिसाब किताब रखना वाला वो काम हो गया, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरह से हमें जॉब सिलेक्शन के बाद, जॉब सिलेक्ट करने से पहले अच्छे से देखना कि हमें किस तरह की जॉब हमें चाहिए, हमें डेस्क जॉब चाहिए या हमें फील्ड जॉब चाहिए,